राइट ओके। अब नेक्स्ट एंट्री हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगली एंट्री है, यहाँ पे फैसिलिटी एस्ट्रिक दे रखी है। एज यू कैन सी यहाँ पे एस्ट्रिक का मतलब है कि फैसिलिटी कोई भी हो, मतलब कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी डिवाइस या कोई भी प्रोसेस अगर मैसेज जनरेट करता है तो हमें वो मैसेजेस लॉग में सेव कर दें, और उस लॉग का नाम या टारगेट हमारा जो है दैट इज़ वेयर लॉग मैसेजेस, मतलब वेयर डायरेक्टरी के अंदर लॉग डायरेक्टरी और उसके अंदर मैसेजेस नाम की फाइल में ये इंफॉर्मेशन जाएगी। लेकिन अगर आप एक्सक्लूड कराना चाहो कुछ मैसेजेस तो उसके लिए आप डॉट नन सफिक्स यूज़ कर सकते हो। जैसे इन्होंने कहा कि फैसिलिटी इज़ एस्ट्रिक, कोई भी हो किसी भी एप्लीकेशन ने अगर इन्फो मैसेज जनरेट किया तो ये लॉग में जाएगा। लेकिन तीन प्रोसेस या एप्लीकेशन को इन्होंने यहाँ पे एक्सक्लूड करा दिया, जैसे मेल डॉट नन, मतलब अगर मेल एप्लीकेशन ने इन्फो या उससे ऊपर का मैसेज जनरेट किया तो ये इस लॉग में नहीं जाएगा। ऑथ प्रिफ डॉट नन, ऑथ प्रिफ का भी मैसेज नहीं जाएगा। क्रॉन डॉट नन, क्रॉन यूटिलिटी ने भी जो मैसेज जनरेट किए ये भी इस लॉग में नहीं जाएंगे। राइट, तो आप डॉट नन से एक्सक्लूड करा सकते हो। एक्सक्लूड इसलिए करा है क्योंकि इन्होंने यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑथ प्रिफ फैसिलिटी अगर ये कोई भी मैसेज जनरेट करती है तो ये सारे मैसेजेस वेयर लॉग सिक्योर में जा रहे हैं। ऑथ प्रिव इज़ फॉर प्राइवेट ऑथेंटिकेशन, आप यूज़र जब भी लॉगिन करता है, लॉग आउट करता है, यूज़र आप क्रिएट करते हो, डिलीट करते हो, तो ये सारी एंट्रीज इस फाइल में जाती है। इसी तरीके से अगर आपकी मेल एप्लीकेशन किसी भी तरह का मैसेज जनरेट करती है तो ये मेल लॉग में जाएगा। क्रॉन अगर कोई भी मैसेज जनरेट करती है तो ये क्रॉन में जाएगा। राइट, नहीं आज कोई नहीं। किसी भी फैसिलिटी ने अगर इमरजेंसी मैसेज जनरेट किया, एस्ट्रिक इज़ फॉर फैसिलिटी, कोई भी फैसिलिटी हो एंड मैसेज टाइप इज़ इमरजेंसी, तो ये सारी लोकेशंस पे जाएगा। टारगेट इज़ एस्ट्रिक, मतलब ये कंसोल्स पे भी जाएंगे और सारी लॉग फाइल्स में इनकी एंट्री होगी। राइट, इसी तरीके से अगर आप नीचे देखें, न्यूज़ अगर क्रिटिकल है तो वेयर लॉग स्पूलर में जाएगी। इसके अलावा आपके पास 8 फैसिलिटीज़ हैं जिनको आप लिंक कर सकते हो डिवाइसेस के साथ में, और उनका नाम जो है वो लोकल 0 से लेके लोकल 7 के बीच में रहता है। जैसे इन्होंने लोकल 7 फैसिलिटी को वेयर लॉग बूट डॉट लॉग इससे कर रखा है, मतलब बूट से रिलेटेड जितने मैसेजेस होंगे वो इसमें जाएंगे। यहाँ पे एक और फैसिलिटी हम देख रहे हैं, लोकल 0 डॉट एस्ट्रिक, ये एक कस्टम वो है जो कि मैंने ही एंटर कर रखी है, सेंटर में भी हटा रहा हूँ, जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। तो ये हमारी syslog डॉट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट ही एंट्रीज होती हैं। फाइल हमने सेव कर ली कंट्रोल ओ से और कंट्रोल एक्स से बाहर आ गए। टारगेट्स की अगर बात करें तो ये टारगेट्स हैं जो पॉसिबल हैं, मतलब आप एप्लीकेशंस के मैसेजेस को अगर आप चाहो तो किसी फाइल में, किसी लॉग फाइल में सेंड कर सकते हो, अगर आप चाहो तो किसी टर्मिनल पर सेंड कर सकते हो, जैसे /dev/console या /dev/tty1 है ना, या फिर आप इन मैसेजेस को किसी रिमोट होस्ट या किसी दूसरे पीसी पे सेंड कर सकते हो। उसके लिए आप @sign और उसके बाद उस पीसी का आईपी एड्रेस स्पेसिफाई कर देंगे हम। एस्ट्रिक हमने अभी देखा, एस्ट्रिक का मतलब है अगर फैसिलिटी में एस्ट्रिक लगी है तो मतलब फैसिलिटी कोई भी हो, और अगर मैसेजेस या लेवल ऑफ मैसेजेस में एस्ट्रिक लगी हुई है तो इसका मतलब है कि किसी भी लेवल का मैसेज हो। डॉट नन जैसे उन्होंने बताया एक्सक्लूजन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। syslog डॉट कॉनफ से रिलेटेड अगर आप सिंटैक्स देखना चाह रहे हैं तो आप मैन पेजेस सर्च कर सकते हैं, मैन syslog डॉट कॉनफ, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी syslog से रिलेटेड, फैसिलिटीज़ क्या हैं, कौन से लेवल्स हैं। राइट, ये जैसे फैसिलिटीज मैंने बता रखी हैं, डिफरेंट पॉसिबल फैसिलिटीज जो होती हैं। राइट, एंड सो कुछ एग्जांपल्स भी इन्होंने यहाँ पे शेयर कर रखे हैं, तो यूजफुल है, आप मैन पेजेस देख सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। लेट्स गेट आउट ऑफ इट।
सपोज सिस्टम के तो जितने भी मैसेज जनरेट हो रहे हैं वो सारे के सारे लॉग फाइल्स में जा ही रहे हैं। सपोज़ अगर हम चाहते हैं कि एक राउटर है और उस राउटर के मैसेजेस जो है वो हम एक लिनक्स मशीन पे किसी लॉग फाइल में सेव करें, तो ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए पहले हम अपना लिनक्स मशीन पे जो सेटअप है वो चालू करते हैं, उसके बाद राउटर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। लिनक्स मशीन पे जैसे मैंने बोला कि अगर आप किसी नेटवर्क डिवाइस के मैसेजेस को लिनक्स मशीन पे सेव करना चाह रहे हो तो उसके लिए इंटरनेट सॉकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी जो कि UDP प्रोटोकॉल यूज़ करता है और पोर्ट नंबर 514 पे काम करता है। तो सबसे पहले हम ये चेक करें कि हमारा सिस्टम जो है इस पर पोर्ट नंबर 514 ओपन है भी या नहीं। इसके लिए आप कमांड यूज़ कर सकते हो netstat -NUL, N इज़ फॉर नंबर्स, U इज़ फॉर UDP पोर्ट्स। तो ये सिर्फ आपको ओपन UDP पोर्ट्स दिखाएगा। इस लिस्ट में अगर आप देखो तो कई सारे पोर्ट नंबर्स आपको दिख रहे हैं लेकिन इस लिस्ट में 514 पोर्ट नंबर लिस्टेड नहीं है। मतलब अगर हम कॉन्फ़िगरेशन अभी कर भी लें तो हमारी मशीन पोर्ट नंबर 514 पे कोई मैसेज या कोई कम्युनिकेशन रिसीव नहीं करेगी। तो सबसे पहला काम हमें जो करना है वो ये कि अपनी मशीन पे पोर्ट नंबर UDP पोर्ट नंबर 514 को ओपन करें। इसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन में थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे और जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल हम चेंज करेंगे वो /etc/sysconfig/syslogfile है। तो हम ओपन कर लेते हैं। ओके, मंडे को नैनो स्पेस ETC स्पेस sysconfig स्पेस syslog। इस फाइल में हम देखिए एक एंट्री यहाँ पे है syslogd options और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट दो एंट्रीज हैं या दो पैरामीटर स्पेसिफाई किए कर रखे हैं -m एंड -n0। अगर आप इंटरनेट सॉकेट्स चाहते हैं या पोर्ट नंबर 514 ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पे हम एक और पैरामीटर -r ऐड कर देंगे। syslogd ऑप्शन दो पैरामीटर पहले से थे -m और 0, इसके साथ ही साथ हमने -r भी इसमें ऐड कर दिया। इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं Ctrl+O and Ctrl+X। फाइल हमारी सेव हो गई। अब अगर हम चेक करें फिर से netstat -NUL से कि कौन से UDP पोर्ट्स ओपन हैं, इसमें देखें तो इस लिस्ट में अभी भी पोर्ट नंबर 514 नहीं आ रहा है क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी रन कर रहा है और ये सर्विस हमें रीस्टार्ट करनी पड़ेगी ताकि वो syslog जो हमारी फाइल इसको दोबारा रीड करे और पोर्ट नंबर UDP 514 जो है इसको ओपन करे। सर्विस रीस्टार्ट करने के लिए हम कमांड यूज़ करेंगे सर्विस syslog रीस्टार्ट, सर्विस syslog रीस्टार्ट। सर्विस हमारी रीस्टार्ट होगी। वापस चेक करते हैं netstat -NUL पोर्ट नंबर 514 ओपन हुआ या नहीं। तो हम यहाँ पे देखें तो पोर्ट नंबर 514, अब हमारा सिस्टम इस पोर्ट नंबर पे लिसन कर रहा है, मतलब ये रेडी है मैसेजेस एक्सेप्ट करने के लिए।